आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। स्वागत है आपका प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम शख्सियत में, जिसमें आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने अपने मेहनत और संघर्ष के दम पर एक अलग ही मुकाम हासिल किया है। आज हमारे साथ मौजूद है अवध बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद मणि त्रिपाठी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बता दें। देखिए, मैंने लॉ ग्रेजुएशन के बाद मैंने पढ़ाई करी क्रिश्चियन कॉलेज में, उसके बाद लॉ ग्रेजुएशन मैंने किया लखनऊ यूनिवर्सिटी से। तो लॉ ग्रेजुएशन करने के बाद ही मेरे अंदर इच्छा रही कि मैं एक वकील बनूंगा। मैं किसी मजबूरी से वकील नहीं बना हूँ, मेरी इच्छा थी कि मैं वकील बनूंगा और समाज के लिए कुछ करूंगा। समाज के ऐसे दबे कुचले लोग हैं या जिनको न्याय मुहैया नहीं हो पाता है, तो मैं सोच रहा था कि मैं प्रयास करूंगा कि उनको न्याय मिले और उनके लिए मैं काम कर सकूं। हर इंसान के अपने कुछ सपने होते हैं, उनको पूरा करने की लगन होती है। आपका क्या सपना रहा? देखिए, मेरा सपना रहा कि जब मैं एडवोकेट बनूं, वकील बनूं, तो कुछ ऐसा कार्य करूं कि हमारे समुदाय के लिए, यानी एडवोकेट्स के लिए, वेलफेयर के लिए और समाज को एक नई दिशा देने का काम करे। लोगों के अंदर जो भ्रांतियां हैं उनको खत्म किया जाए और न्याय ऐसे जगह तक पहुंचे जिनके लिए न्याय दुर्लभ है। तो मेरे जीवन का यही प्रयास रहा कि ऐसे लोगों को न्याय दिला सकूं जो न्याय के सबसे निचले पायदान पर हैं और जिन्हें एक्चुअली न्याय की आवश्यकता है। आनंद जी, इंसान की जिंदगी हमेशा चुनौतियों से भरी होती है और इन्हीं चुनौतियों से इंसान सीखता है और आगे बढ़ता है, मजबूत बनता है। आप अभी जिस मुकाम पर है, यहाँ तक पहुँचने के लिए किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि एडवोकेट्स का जीवन ही चुनौतियों से भरा होता है। चुनौतियां इन द सेंस कि जब हम इस प्रोफेशन में आते हैं, आपके पास केसेस आते हैं, तो जो केसेस आते हैं कभी किसी नेचर के, कभी किसी नेचर के, तो आप जिसको प्रिपेयर करते हैं कोर्ट में, उसको आर्गू करते हैं, तो एवरी डे वी हैव सम चैलेंजेस और उस चैलेंज का सामना करते हुए वकील एक परफेक्ट वकील बनता है, उसको अनुभव होता है और समाज की सेवा करता है। आनंद जी, हर इंसान का एक प्रेरणा स्रोत होता है, आपका कौन? देखिए, मेरे प्रेरणा स्रोत तो मेरे पिताजी रहे और मेरे गुरु रहे, तो उन्हीं से मैंने प्रेरणा ली, उन्हीं से सब कुछ सीखा और आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पिताजी तो अब नहीं रहे, बट मेरे गुरु जी श्री एस सी मिश्रा साहब अभी भी सीनियर एडवोकेट हैं, राज्यसभा सांसद रहे, एडवोकेट जनरल रहे, तो मैंने उनके साथ रह के प्रेरणा ली और इस मुकाम तक मैं पहुंचा हूं। आनंद जी, आपने वकालत ही क्यों चुना? कब आपको लगा कि वकालत में आना चाहिए? देखिए, मैं जब पढ़ाई कर रहा था, मैंने ग्रेजुएशन किया, तो मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा कि अब क्या करोगे जी। तो मैंने कहा कि अब मैं लॉ की पढ़ाई करूंगा, तो कहने लगे कंपटीशन की तैयारी करो, ये बनो वो बनो। मैंने उनसे कहा कि देखिए पिताजी, आप भी गांव के माहौल से हैं, शहर में आए, हमारे सारे भाई पढ़ लिख के आगे बने, अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं, तो मैं चाहता हूँ थोड़ी समाज सेवा करूँ। मैं वकालत पढ़ूंगा और एडवोकेट बनूंगा और अपने समुदाय के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करने का प्रयास करूंगा। आनंद जी, अगर देखें तो वकालत में वकीलों की संख्या अधिक है, आप जब वकालत में आए तो आपको पहला केस कब मिला और कैसे मिला? देखिए, मैं सौभाग्यशाली रहा, मेरी शादी के बाद मैं वकालत में आया जी। क्योंकि आप जानते हैं कि वकीलों की शादी ब्याह में थोड़ी कठिनाई होती है, आदमी जो है कहता वकील तो शादी करने से, तो मेरी भी शादी वकालत शुरू करने के पहले हो गई। तो मेरी शादी के बाद मुझे जो पहला केस मिला, मेरी ससुराल सुल्तानपुर में है, तो मुझे पहला केस मिला अपने ससुराल से, मुझे एक सेकंड अपील मिली, उस सेकंड अपील को मैंने तैयार किया कई दिनों के परिश्रम के बाद। मैं नया वकील था, सबसे मैंने पूछ के और विचार विमर्श करके, सीख करके मैंने उसको तैयार किया। और मुझे याद है कि हाई कोर्ट में कोर्ट नंबर 7 में मैंने उस सेकेंड अपील को वो आर्गू किया था, जिसमें मुझे स्टे मिला और बाद में वो अपील हमारे फेवर में ही डिसाइड हुई। तो ससुराल पक्ष का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा मेरे इस प्रोफेशन में। आनंद जी, जैसा जानकारी के मुताबिक आपने वकीलों के लिए बहुत कुछ किया है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे?
मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अवध बार एसोसिएशन का सेक्रेटरी रहा 2013-14 में। तो मैंने हेल्प एंड डिस्ट्रेस स्कीम बनाई थी, जो स्कीम आज भी चल रही है, जिसमें हम लोगों ने ये प्राविधान किया था कि अगर किसी अधिवक्ता की असामयिक मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 5 लाख रुपए देंगे, और अगर वो सीरियसली इल होता है तो उसे 1 लाख रुपए देंगे। वो स्कीम आज भी चल रही है और ऐसे तमाम काम किए हैं, इसकी बहुत बड़ी लिस्ट है। अभी मैं पिछली बार भी जब अध्यक्ष हुआ था तो मैंने सारे एफिडेविट सेंटर और बार के लिए लाइब्रेरी अप टू डेट किया। अब मैं फिर अध्यक्ष हुआ हूँ तो मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि हाई कोर्ट में और समस्त अधिवक्ताओं के लिए पढ़ाई लिखाई का माहौल हो, एक अच्छा माहौल हो, जिससे वो अपने केस को प्रिपेयर करके कोर्ट्स में जा सके, अच्छा आर्गूमेंट कर सके, एक अच्छे लॉ का डेवलपमेंट हो। बार का यही प्रयास है, मैं भी इसी प्रयास में लगा हूँ। आनंद जी, 2 बार आपको अवध बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में मुझे ये कहना है कि मुझे अपने अधिवक्ता साथियों का, भाइयों बहनों का जो प्यार स्नेह है वो बहुत ज्यादा मिलता रहता, हमेशा मिलता रहता, और हम जो भी कार्य करते हैं उनके वेलफेयर के लिए आपकी करते ऐसी क्या चीज है जो उनको बहुत ज्यादा लोकप्रिय लगती है, जो आपको 2 बार अध्यक्ष के पद में? देखिए, जहाँ तक मुझे पता है, मैं अपनी विशेषता मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, बता नहीं सकता हूँ, लेकिन जो मुझे फीडबैक मिलता है, फीडबैक के हिसाब से लोग कहते हैं कि आप भाई बहुत मृदुभाषी हैं, अच्छा बोलते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं और हमारे बारे में सोचते हैं, और बहुत बड़े प्रोफेशनिस्ट नहीं है, व्यवसायिक नहीं है कि ये फीस आए ऐसा है तो काम करें। आप वकीलों के लिए भी काम करते हैं और एक समाज सेवा करते हैं। बहुत ज्यादा व्यवसायीकरण हम नहीं चाहते हैं कि इस प्रोफेशन का हो, क्योंकि हम लोगों का प्रोफेशन समाज को भी एक गति, एक दिशा देने का काम है, जिसको मैं करता रहता हूँ, इसीलिए लोगों का प्यार स्नेह मुझे अधिक मिलता है। आनंद जी, जो आज के जेनरेशन के वकील हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्या राय देना चाहेंगे? देखिए, आज के जनरेशन के हमारे वकील जो पढ़ के आ रहे हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज से आ रहे हैं, कॉलेजेस से आ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज से आ रहे हैं, और अच्छी तैयारी करके कोर्ट्स में आते हैं, और देखिए लॉ का थोड़ा एक्सपेंशन हो रहा है, हर तरह उसका बढ़ोतरी हो रही है। तो मैं उनको यही सलाह देता हूँ और जब भी मिलते हैं यही बात करता हूँ कि आप जब भी कोर्ट में जाएं अपने केस को फुली प्रिपेयर करके जाएं, और उन सारी बातों का ध्यान रखें, अपने सीनियर्स से सीखें कि वो कैसे बिहेव करते हैं, हाउ टू एड्रेस द कोर्ट, हाउ टू बिहेव, और आपको अपनी बात कैसे रखनी है निष्पक्षता के साथ, कोर्ट के सामने कैसे बताना है जिससे आपको कुछ अंतरिम राहत मिल सके। तो मैं उनको यही राय देता हूँ। अभी हमने एक कॉन्फ्रेंस भी करी थी, उसमें लोगों को मैंने यही राय दी कि आपको कैसे अपने केस को प्रेजेंट करना है, कब कौन सी बात कहनी है, कब कौन सी नहीं कहनी है, कोर्ट को कैसे कन्विंस करना है, ये सारी चीजें मैं बताने का प्रयास करता हूँ। आनंद जी, अगर मैं पहले की वकालत की बात करूँ और अब की वकालत में क्या कुछ बदलाव आप देखते हैं? देखिए, पहले की वकालत थोड़ा ट्रेडिशनल थी और आपकी वकालत ये आ गई है कि आदमी को कभी ना कभी जीवन में जरूरत पड़ती है, प्रॉपर्टी के मामले में, सर्विस के मामले में, उसके फंडामेंटल राइट्स के मामले में। तो पहले से बहुत विकास हुआ है। मुझे याद है, मैं छोटा था तो कभी कभी देखता था कि कोर्ट्स की संख्या बहुत कम होती थी, जजेस कम होते थे। अब देखिए, एक्सपेंशन हुआ है, लिटिगेशन भी बढ़ा है, पेंडेंसी बढ़ी है, जजेस का अनरबल जजेस की भी संख्या बढ़ी है, तो बहुत विकास हुआ है। और उस विकास के पीछे ये है कि हमारा डेवलपमेंट हुआ, समाज का डेवलपमेंट हुआ है, तो थोड़े बात भी बढ़े हैं, थोड़ी चीजें बढ़ी हैं, तो इस हिसाब से आप समझिए कि अब बहुत विकास की तरफ अग्रसर है ये प्रोफेशन, और अच्छे लोग आ रहे हैं, अच्छा काम हो रहा है। आनंद जी, अगर देखा जाए तो कई बच्चों का सपना है वकालत में जाने का, तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या राय देना चाहेंगे? नहीं नहीं बहुत अच्छी बात है, अगर इस प्रोफेशन में लोग आ रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। अभी देखिए, कई लॉ फर्म्स हैं जो बाहर के लोगों का भी काम कर रहे हैं, इस्टेब्लिश हो रही, अच्छे लोग आ रहे हैं, अच्छे बच्चे आ रहे हैं, मेहनती हैं सारे लोग। तो मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ कि इस प्रोफेशन को से जुड़े और इस प्रोफेशन को आगे बढ़ाने का काम करें, आगे बढ़ाने इन द सेंस की मेहनत करके, केस प्रिपेयर करके, उन सभी बातों का ध्यान रखें जो जरूरी। आनंद जी, प्राइम टीवी के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्राइम टीवी के माध्यम से, पहले तो मैं प्राइम टीवी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मौका दिया, और मैं अपने सारे दर्शकों, अभिवक्ता भाइयों और सारे लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि प्रदेश में जो कानून की सरकार है इसको फॉलो करें, कानून का साथ दें, कहीं भी कानून का उल्लंघन ना करें, चाहे वो सड़क पर हो, चाहे वो किसी के मूलाधिकार की बात हो।
तो सबको जीने की एक राह है, परंपरा है, एक सुविधा है। तो उसमें अगर कोई आदमी कर्टेलमेंट ना करे किसी का, तो सबका जीवन सुचारू रूप से चलता रहेगा और मुकदमेबाजी भी कम होगी और सारी शासन प्रशासन सब महसूस करेगा कि सब चीज अच्छा चल रहा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी आपका। तो ये थी अवध बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद मणि त्रिपाठी जी। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।